हमारा शुरू हो गया है डे 4 इन गोवा एंड आज का हमारा प्लान है क्रूज पे घूमने का। हमारा जो क्रूज था हमने बात की थी 2500 उस पर चार्जेस लिखा था, हमने बात बात करके उसको 1500 का कर लिया है। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो उसमें है 5 राइड्स एंड 2 ड्रिंक्स, लंच इंक्लूड है, पार्टीज है और फुल म्यूजिक मस्ती हुई। आज करेंगे मस्ती। और ये देखो कैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल बारिश वाला। गोवा में तो कतई जहर मौसम हो रहा है। मम्मी जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। इनको इनको हमने ये बोलने लग रखा बहुत अच्छा लग रहा, मजा ही आ गया। चलो ये लेके भैया बिग डैडी के बिल्कुल नियर। देखा पीछे बिग डैडी तेरा। और यहीं पे हमारा आ गया क्रूज। ये तो बिग डैडी वाला क्रूज है, आगे है हमारा क्रूज। देखिए कितना मजा लग रहा है। बढ़िया सबने पकड़ लिया अपनी सीट। अब हम बताने वाले हैं इस पे पूरे 3-4 घंटे चढ़ गए हम। हम तो जा रहे डेक के ऊपर। नीचे का व्यू है और हम जाएंगे ऊपर के व्यू। खड़ी सी डिवाइस ये देखो भैया डेक का व्यू, फुल मस्त भीड़। मौसम कितना गजब हो रहा है, देखिए गाइस ब्यूटीफुल गाना, ब्यूटीफुल रिवर। बता दो पंजीम का पोस्ट ऑफिस है एंड सभी लोग कुछ लेफ्ट साइड में देखिए, आपको बहुत सारे फिशिंग बोट दिखेंगे। ये 200 साल पुरानी मालिन गट्टी है। यहाँ पे चुप चुप के मूवी का शूटिंग होता है शाहिद कपूर का। यह है नाइट व्यू ऑफ द क्रूज, सॉरी। ठीक है, वी आर हैविंग फन देयर। सो यहाँ पे बारिश भी हो रही है काफी अच्छी, मौसम बड़ा प्यारा है। आप मुझे सच बताओ तो बोट के मजे आए, राइड के मजे आए, लेकिन यहाँ पे जो 5 राइड हमें नाम की दे रखी थी वो बिल्कुल भी हमें नहीं मिली। एक दो बस थोड़ी सी थी, दो ही टंकी थी, अदरवाइज नहीं थी। एक कूदने की थी और एक बोटिंग चलाने की थी, बाकी तो खुद्दू काट दिया इन्होंने हमारा। तो इधर ग्रीन बैंड का कुछ सीन रहता है, ग्रीन बैंड का आप जैसे लाइक कह सकते हो कि ज़्यादा पैकेज होता है तो वो करवा के आओ तो बेटर रहेगा। हमें ये आइडिया नहीं था, हम करवाते नहीं थे ज़्यादा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, कह सकता हमारा।